अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उबैद खान। और अगर आप मुझे जानते हैं फिर भी ठीक है, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब करिए और जानिए। तो मैंने अली एक्सप्रेस से कुछ चीज़ें मंगवाई थी 2 साल पहले। तो उसमें से एक प्रोडक्ट मुझे मिली थी, एक नहीं मिली थी। तो उसके बाद मैंने कभी दोबारा ट्राई नहीं किया। तो इस दिसंबर मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। तो 2-3 चीज़ें तब मंगवाई थी तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई हैं। और जो सबसे पहली चीज़ मंगवाई है मैं लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि सबसे फेवरेट वो मेरी वो थी और कॉस्टली भी। तो शुरू करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये पंखा। इसके बेसिकली 3 मोड हैं, जैसे कि आप शोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पहला मोड है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो तीसरे में सबसे ज़्यादा इसकी पावर होती है। और मैंने इसका सबका चेक किया, रिव्यू किया है, और फिर देख रहा हूँ तो इसके तकरीबन 1 घंटा मुझे बैकअप मिला है। तो ये प्रोडक्ट मुझे अली एक्सपेक्ट से 100 300 के मिली है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। उसके बाद जो है इसके अंदर टाइप सी की लगती है, सॉरी टाइप बी है, पुरानी चार्जर नहीं थी उस टाइप की। और ये आप कहीं पे इसको भी रख भी सकते हैं, जैसे कि आप देखें, ये देखिए अंदर ये इसको ठीक रख होता है। इसके अलावा अगर आप इसको लैदर भी करना चाहते हैं तो आप लैदर भी कर सकते हैं। और अगला प्रोडक्ट है हमारा, मम्मा के लिए मंगवाई थी चीज़ें, ये हैं बुरश वगैरह काफ़ी सारे थे। ये भी 300 के हैं। तो अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये बुरश के हैं मेकअप वाले, तो ये भी अच्छी एक चीज़ प्रोडक्ट है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने मंगवाई है, उसमें ये एक डेकोरेशन पीस है। तो बल्कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये भी 300, ये भी 100 300 की है। उसके अलावा एक मेरे पास जर्मनी का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो देखते हैं आप कमेंट में बताइए कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। इसका हम रिव्यू करते हैं। तो एक ऐसी इसकी लाइट है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हमें पहले इसको ऑन करना पड़ेगा डेड सीट, और हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये इसकी लाइटनिंग है, तो बताइए आपको कैसे लगी। डेकोरेशन के पीस के लिहाज से है तो काफ़ी है। तो अब दिखाता हूँ मैं दूसरा वाला आपको। तो ये है, ये काफ़ी बड़ी है, बल्कि आपको मैं थोड़ा ऐसा करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं इसकी लाइट काफ़ी है। और ये जो है गिफ्ट मिला था, एक जर्मनी प्रोडक्ट है, इसकी लाइट काफ़ी है और ये लेंथ में काफ़ी लंबी है। तो बताइए आपको, मुझे तो ये अच्छी लगी, मगर वो भी चीज़ अच्छी है, वो चीप है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, मगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो दैट्स इट। तो आप चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, वो है ये डेटा केबल। आप देख सकते हैं तो इसमें स्पेशल क्या है ऐसा ना, तो ये है एक मैग्नेटिक डेटा केबल। जो से कि आप देखेंगे वो इस तरह के, मेरे पास 3 तरह के हैं इसकी जो बोर्ड्स हैं, उसमें ये 3 तरह की मैग्नेट दिए हुए हैं। एक ये है, जैसे कि देखें, ये है टाइप सी, और ये है लाइटनिंग केबल आईफोन के लिए, और एक टाइप भी है जो पुरानी डिवाइसेस के लिए होता है, जैसे कि पंखे को लगती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली पोर्ट अगर आपको नज़र आ रही हो, ये वाली ये पोर्ट बताया था कि मैंने मम्मा के मोबाइल पर लगाया हुआ है। तो ये मम्मा का मोबाइल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैंने मैग्नेटिक वाला लगाया हुआ है पोर्ट टाइप टाइप बी, और ये मैग्नेट वाली डेटा केबल। और इसको देखें, एनिमेशन चेक करिए, ये मैं लगा रहा हूँ और ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। मैं इसको उतार लूँगा, ये ऑफ हो गया। इससे चीज़ अच्छी है कि ये इसके जो ये पोर्ट है, ये इसके अंदर ही मैचर रहती है। और ये जो इसमें लगाते हैं चार्ज होने लगाता है, इसका मोबाइल का इशू ये था कि मैं 2 3 केबलें लेता हूँ तो घर वाले इस्तेमाल कर लेते हैं, मम्मा केबलें इस्तेमाल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर चार्जिंग नहीं करती, तो इसकी वजह से इशू था। ये आराम से लगाता हूँ, ये चार्जिंग तारों ठीक हो गया, ये हो गया इसका काम। और ये बेस्ट चीज़ है, इसमें आपको तीनों किस्म की पोर्ट मिलेंगी। अलावा फिर मैंने ये मंगवाई थी कि अगर ये वाली प्रोडक्ट काम ना करे तो बैकअप के लिए एक और मंगवा ली थी। ये भी 100 100 300 के ही है, और इसमें है कि केबल ही है मगर इसमें तीनों पोर्ट दी हुई हैं। ये बेसिकली तो इजीली मिल जाती है, मगर ये अच्छी कंपनी की है। तो फास्ट चार्जिंग 18 वाट तक ही सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा मैंने ट्राई किया तो नहीं होता। मे बी ये 15 वाट तक होगी, 18 नहीं 15, तो 15 वाट तक ये सपोर्ट करती हैं।
मगर यह है कि एक टाइम पे शायद एक ही दें, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो आप इस केबल को चेक करते हैं, मैं उसको लगाता हूँ चार्ज पे, तो चार्जर के साथ लगा दिया मैंने, तो आप देखते हैं मल्टीपल चीज़ों को सपोर्ट करता है कि नहीं। उसकी एक चीज़ आता हूँ आपको कि आप चार्ज इसमें करंट आया कि नहीं, आप देख सकते हैं इसमें मे भी आपको दिख रही हो LEDs। हाँ, तो एनिमेशन की तरह LEDs हैं इसमें। तो आप लगाते हैं प्रोडक्ट को और देखते हैं चार्ज होती है कि नहीं। तो ये है हमारा पहला, और इसमें टाइप बी लगती है, देखें पोर्ट, और इसके लिए हमें टाइप बी चाहिए। हमने टाइप बी इसके अंदर लगाई और ये देख सकते हैं, इतना बहुत नज़र आ रहा हूँ, करता हूँ रेड लाइट आपको नज़र आ रही होगी, चार्ज होना शुरू हो गया। उसके बाद लगाते हैं दूसरी चीज़ को, प्रोडक्ट को, ये, और ये है टाइप सी, चार्ज कर रहा है कि नहीं। अब इसको भी दोनों प्रोडक्ट को चार्ज कर रहा है, तो इस चीज़ अच्छी है कि मल्टीपल चार्जिंग में सपोर्ट करता है। तो जो अगली वाली में प्रोडक्ट है वो ये है, ये पंखा जो कि मैंने अंडर 5K, ओप्स सॉरी, अगली जो प्रोडक्ट है वो मैंने ये मंगवाई है अंडर 5K। ये है मिनी प्रिंटिंग मशीन। यस, आप सही समझे। वैसे मैंने सर्च किया है तो मुझे तकरीबन अंडर हंड्रेड अंडर 3500 मिल गई थी, और द्रास पे समथिंग 4000 तक मिल जाती है। तो से आप मैं बताता हूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर रोल डलता है, ये देखें आप, इसके अंदर ये डाल के, इसके अलावा इसको इधर रख के ये बंद कर देते हैं, ऐसे बंद कर देना। उसके बाद आपने इसको, तो इसके काम करने का तरीका ये है कि इसको आपने पहले, सबसे पहले यहाँ बटन है तो इसको दबाना है, तो यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी, होप कि आपको दिख रही हो। और उसके बाद आपने इसको यहाँ रख देना है और अपना मोबाइल उठाना है। इसमें एक ऐप है, वन ऐप, वो आपने डाउनलोड करनी है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद आपने इधर जाना है कनेक्ट के ऑप्शन में, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और आपने कनेक्ट के ऑप्शन में जाना है। तो बेसिकली अभी इधर आ चुका है ऑप्शन, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट के बाद इसके आपने पीछे जाना है, और यहाँ से आपने डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो आप प्रिंट कर सकते हो, और उसको आपने सेलेक्ट करना है प्रिंटिंग का। आप, मैं फ़ोटो प्रिंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको ऐसा उसका, आप क्या, आप आगे आपको क्या फीचर मिलेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करनी है आपने, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। मैं अपनी कज़न है, इसकी फ़ोटो प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ये ऑप्शन है प्रिंट वाला, इसको सेलेक्ट करना है। प्रिंटिंग के बाद ये आपसे चीज़ें पूछेगा, ऐसा कि आप देख सकते हैं। इसको आप करेक्टराइज भी कर सकते हैं फ़ोटो को, कि फीडबैक कैसी आएगी। और मगर मैं इसको ग्राफिक में सेलेक्ट करूँगा तो इसकी पिक्चर अच्छी आएगी। तो उसके बाद आपने इसको हॉरिजेंटली कर सकते हैं और वर्टिकली भी। वर्टिकली में ये थोड़ा खिंचना हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने हॉरिजेंटली मैं रखूँगा, डीप रखूँगा, इसकी परसेंटेज भी देख सकता है कि कितना आपकी क्वालिटी है। मैं 100% पर रखा है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से, बल्कि आपको दिखाता हूँ, ये मैं प्रिंट दबा रहा हूँ, अब देखिए। तो मैंने प्रिंटिंग निकाल दी है, तो मैं आपको जो टिप दी थी तो उसका मैं आपको दिखाया, मैंने इसको चार्ज नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है प्रिंट वो इतना सही नहीं आया। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको चार्ज नहीं किया, बैटरी इसकी कम है, और अगर आप इसको चार्ज करते हैं तो उसका प्रिंट आपको इस तरह निकलेगा, ये भी प्रिंट है, देख सकते हैं आप, इसकी क्वालिटी करके निकाला है इसने, ये काफ़ी अच्छी है। उसके बाद ये था इसका रिव्यू, और अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। मैंने आपको बताया था मैंने द्रास से ऑर्डर किए हुए थे, और
वो आ चुके हैं, और मैंने उसको फ्रेम पे किया, जो लास्ट पेन निकाला है इसकी फॉल्ट मतलब कि ख़राब थोड़ा सा निकला था, और बैटरी लो है जो भी हो सकती है, और उसमें मैंने यूज़ किया था ओरिजिनल वाला पेपर, मैंने यहाँ रख दिया। तो ये पेपर है इसके 55 mm मल्टीप्लाई 27 mm 100 और 900 के मिल गया, और चीज़ अच्छी है, डिलीवरी जल्दी हो गई है। तो अगला वाला हमारा प्रोडक्ट है ये 110K, 10,000 का लिया है। सोच रहे होगे इसमें क्या है, इसकी खासियत है। तो इसकी खासियत ये है कि ये उसका पीस है, ओरिजिनल चीज़ ये है दैट, ये एक ट्राईपोड है, जो कि ट्राईपोड भी है और गिम्बल भी है, और उसके अलावा सेल्फी स्टिक भी है। तो इस वक्त मैंने इसको ट्रैकिंग मोड पे लगाया हुआ है, बल्कि कैमरे ट्रैकिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं रोल कर रहा हूँ इसके जरिए, मगर इसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, इसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है। तो आपको इसके बारे में डिटेल से वीडियो आएगी तो दिखाता हूँ। तो फिलहाल ये थोड़ा इस बारे में बता देता हूँ, इसमें आपको ट्रैकिंग मोड मिलता है, उसके बाद वीडियो टाइम लैप्स मिलता है, उसके अलावा इसमें गिम्बल है, उसके अलावा इसके अंदर सेल्फी स्टिक है। ओके, आप देखेंगे, ये देखें तकरीबन 3.5 मीटर तक है ये। तो साइज़ मतलब कि सेल्फी स्टिक के लिहाज से या ट्राइपॉड के लिहाज से कि आप इतनी हाइट पे रख सकते हो, वो नहीं कि आपको 7 फीट तक मिलेगा, वो वाला नहीं है, तकरीबन ठीक है मेरे लिए तो यूज़ेबल है। उसके अलावा मैं इसको सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि रखी, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसा कि इसको मैं खोलता हूँ, तो हम इसको यहाँ लगाते हैं, तो नीचे करते हैं, तो ये यहाँ पर हो गया इसलिए। उसके अलावा आप चलते हैं अगली बोनस तरफ, बोनस प्रोडक्ट जो मैंने के दिसंबर में हुआ थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें तीन चीज़ें थी, दो चीज़ें मिल गई हैं, और तीसरी चीज़ अगर मिल गई तो वीडियो बना दूंगा, वरना मैं आपको पिक्चर्स वगैरह में दिखा दूँगा। चलो चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। तो अगला प्रोडक्ट है ये वाला, तो ये बेसिकली एक स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड, तो आप इसको रख के यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह बाहर आ जाता है, थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो ये इस तरह बाहर आ जाता है। उसके बाद इसको आपने यहाँ से पकड़ना है जगह से, और ऐसे स्टैंड के तौर पे यहाँ मोबाइल रखोगा, हाँ इसको हम यूज़ कर लेते हैं जो मोबाइल, तो ये मोबाइल रखोगा या आप इसको रख सकते हैं। उसके अलावा जब इसको साइज़ का कम करना है, इसको आगे उठाइए और यहाँ से ऊपर उठाइए, और ये जा सकता है यहाँ पर आगे रख लें, नेक्स्ट इतना तक आता है यहाँ तक, ये काफ़ी ड्यूरेबल है, इसको नीचे रखना पड़ता है। तो अब इसके बाद इसको थोड़ा आप ऊपर उठा के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये है कि ये LEDs हैं, और ये मैं आठ मंगवाई थी, कुछ रिलेटिव्स को दे दी, कुछ खुद यूज़ करता हूँ। तो ये दो चार वाइट कलर में और चार ब्राउन कलर में, तो ये आप देखें, ये वाइट कलर है इसका और ये इसका क्रोम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ये एक्सपेक्ट की सेल से खरीदी थी, इसके अलावा ये एम पे दिसंबर सेल से लिया है, और ये माई कैट, और इसके साथ ही हम वीडियो एंड करते हैं, बाय, पीस आउट, लिफ्ट मी, सो पीस आउट।